हे नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर में। तो गाइस, जैसे कि कमेंट में आपने बोला था कि सर हमें ढील का पेचा लगाना सिखाइए, ढील का पेच किस तरह से लगाया जाता है, और इसी तरह से कमेंट में बोला था कि खींच का पेच कैसे लगाया जाता है। तो गाइस, आज मैं आपको डेमो काइट्स की हेल्प से ये बताऊंगा कि आप ढील का पेच किस तरह से लगा सकते हो और खींच का पेच किस तरह से लगा सकते हो। देखिए गाइस, ये मैंने दो डेमो काइट्स यहाँ पर बनाई हुई है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जो फर्स्ट डेमो काइट यहाँ पर आपको दिख रही है, ये काइट लवर की ही डेमो काइट है जो कि हमारे चैनल के नाम पे बनाई गई है। यानी ये ऑब्वियसली बात है, ये वाली पतंग जो है हमारी पतंग होगी और ये दूसरी जो डेमो काइट है ये ओपोनेंट की पतंग होगी। ये हमारी पतंग होगी और ये ओपोनेंट की पतंग होगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, दोनों काइट्स को कितनी प्यारी अच्छी लगी हैं, छोटी छोटी काइटें जो मैंने बनाई हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको ढील का पेच लगाना है और किस तरह से खींच का पेच लगाना है, या फिर दूसरा जो ओपोनेंट है वो किस तरह से ढील का पेच लगाएगा आपके साथ या खींच का पेच लगाएगा। तो चलिए देखिए। तो गाइज देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, ये जो काइट लवर की है ये हमारी काइट है और ये किसी अपोनेंट की काइट है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ढील के पेच की। तो ढील के पेच दो तरह से लग सकते हैं, या तो नीचे से पेच लगेगा ढील का या फिर ऊपर से पेच लगेगा ढील का। मैं फिर से बताता हूँ, ढील के पेच सिर्फ दो ही तरह से लग सकते हैं, या तो नीचे से लगेगा ढील का पेच या फिर ऊपर से लगेगा ढील का पेच। अब नीचे से ढील का पेच कैसे लगाना है, मान लो ये ओपोनेंट की काइट उड़ रही है। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो क्या चीज है, आपकी पतंग ओपोनेंट की पतंग से लगभग 50 मीटर आगे होनी चाहिए। यानी अगर ओपोनेंट की पतंग यहाँ है तो आपकी पतंग यहाँ पर होनी चाहिए 50 मीटर या 100 मीटर आगे उससे। अब वो भी बताऊंगा क्यों होनी चाहिए। तो देखिए, हमारे क्या ये ओपोनेंट की पतंग उड़ रही है, ये हमारी पतंग है, हमें सबसे पहले क्या 50 मीटर आगे उड़ानी है। देखिए, अब 50 मीटर आगे चली गई हमारी, लगभग 50 या 60 मीटर आगे चली गई हमारी पतंग, मान के चल सकते हो आप ऐसा। अब क्या करना है आपको, अगर आप ढील का पेंच नीचे से लेना चाहते हो सबसे पहले, तो आपको झाप खिलाना है, नीचे की तरफ आना और इस तरह से झाप खिला के ऊपर हल्का से उठा देना है ऐसे। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आपकी 50-60 मीटर आगे थी, आपको नीचे झाप खिलाना इस तरह से, और ये ओपोनेंट की पतंग के नीचे से निकाल के ऐसे लाके फिर सीधे ऊपर खड़ी कर देनी है और पतंग, और फिर ढीले चलते देनी है। अब इससे क्या होगा, अब जब आप ऐसे निकाल लोगे, नीचे से निकाल लोगे, तो ये ओपोनेंट तो समझ जाएगा कि भाई ये मेरे से नीचे, मतलब अपने नीचे से पेंच लेगा ये, क्योंकि ओपोनेंट भी तो पतंग उड़ा रहा है, वो भी पतंगबाज होगा, ये बात है, जायज बात है ये। तो वो समझ जाएगा भाई ये ना नीचे से ढील का पेंच लेगा, खींच मारेगा नीचे से। अब उसके माइंड में दो बातें चल रही होंगी, या तो क्योंकि ये आप नीचे जा रहे हो ना पतंग लेके, तो वो ये सोच रहा होगा या तो खींच मारेगा या फिर ढील देगा, लेकिन वो ये कन्फ्यूज हो जाएगा भाई कितनी डोर पे खींच मारेगा कितनी डोर पे ढील देगा। तो इस कन्फ्यूजन के दौरान ही आपको उसकी पतंग काटनी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ही टाइम मिलेगा। अब करना क्या है आपको, 50 या 60 मीटर आगे पतंग आप ले गए, आपको नीचे झाप खिलाना है और इस तरह से ओपोनेंट की पतंग के नीचे लाके बिल्कुल सीधा करके ढीले चलते देना है। अब आपको ढील कहां पर देनी है भाई, कितनी डोर, जब आपने झाप भी खिला दिया ओपोनेंट की पतंग के नीचे भी लाए, अब ये कितनी डोरों तक आपने इसकी ढील देनी है, मतलब कितनी डोरों तक लेके आए भाई, वहां से ढील देनी स्टार्ट करें। तो गाइस, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, कन्नों के पास, जैसे यहां पर इस जगह कन्ने होंगे उसके, ये जो हमारी ओपोनेंट की काइट मैंने बनाई हुई है उसके यहाँ पर कहीं कन्ने होंगे, इस जगह आप देख सकते हो मैं दिखा रहा हूँ ये पोर्शन, यहाँ पर कहीं कन्ने होंगे उसके, तो आपको कन्नों के थोड़ी सी पास, यानी ये हमारी पतंग है, कन्नों के थोड़ी सी पास यहाँ पर आप देख सकते हो, इस जगह ला के आपको ढीले देनी है। इस जगह ढीले देने का फायदा क्या है, अब ये देखिए, मान के चलिए आपकी डोर है, ये ओपोनेंट की डोर है, ठीक है। अब आपको जब ढीले नीचे से निकाल के इस तरह से ढीले दोगे, ये जो आपकी डोर है ये देखो, आपकी जो डोर है वो क्या ओपोनेंट की डोर के ऊपर रगड़ा पाता जाएगी, देखो इस तरह से रगड़े पड़ रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप ऐसे ऐसे, जैसे जैसे आप ढील दोगे, जैसे जैसे ढील दोगे इसकी डोर कमजोर होती जाएगी, क्योंकि आपकी डोर इस पर से रगड़ती जा रही है और इसकी डोर एकदम से कट डाउन हो जाएगी। और कन्नों के पास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कन्नों के पास का थोड़ा सा एरिया होता है ना, कन्नों के पास का 10-15 मीटर का जो एरिया होता है वो सबसे कमजोर एरिया माना जाता है। वो कमजोर एरिया क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एक तो कन्नों के पास गांठ लगी होती है, जैसी डोर गांठ के पास से गुजरी तो फटाक से गांठ से डोर कट जाएगी और इसकी आईबो हो जाएगी। तो इस तरह से इसलिए कन्नों के पास से आपको पेच लेना है। फिर से बताता हूँ, 50-60 मीटर आगे झाप खिलाया, नीचे निकाल ली और कन्नों के पास से ढील देनी स्टार्ट कर दी और इसकी कट गई। अब ऊपर से पेच कैसे लेना है ढील का, तो ऊपर से पेच के लिए आपको क्या करना है, ऊपर जाना है
झाप खिलानी है। अब इस केस में क्या करना है, कन्नों के पास आपको नहीं लाना है। नीचे से जब आपने ढील का पेंच लिया था तब कन्नों के पास लेना, लेकिन जब ऊपर से ढील का पेंच ले रहे हो तब कन्नों के पास नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जब आप ऊपर से ढील का पेंच ले रहे हो, जब आप कन्नों के पास जा रहे हो, तो इस केस में क्या हो रहा है, जो आपकी पतंग है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी आपकी पतंग ढीली हो रही है नीचे की तरफ जाते हुए, और जो ओपोनेंट की पतंग है वो टाइट रहेगी नीचे से। तो इसलिए ढील का पेंच लेते हो ऊपर से कन्नों के पास लेना, आपको थोड़ी डोर पे ले जाना है, और डोर पे ले जाके इस तरह से झाप खिलानी है ताकि वो जो उसकी डोर है ना वो बेंड होके वी शेप बना ले। इस तरह से वी शेप बना ले जब आपकी पतंग उसके ऊपर पड़े और वहां पर वी शेप बन जाए, और वहीं पर ही रगड़ा खा के इसकी पतंग कट जाए। तो गाइज ये थी ढील की ट्रिक। अब मैं बताता हूँ खींच की ट्रिक कैसे मारनी है। तो गाइस जैसे कि मैंने ढील का पेंच आपको बताया, अब मैं बताता हूँ खींच का पेंच किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम खींच भी दो तरह से कर सकते हैं, या तो नीचे से खींच मारेंगे या फिर ऊपर से खींच मारेंगे। दो ही तरह से खींच लग सकते हैं, या तो नीचे से खींच लगेगी या फिर ऊपर से खींच लगेगी। अब वो दोनों कैसे करनी है, खींच कैसे मारनी है, नीचे से कैसे मारेंगे और ऊपर से किस तरह से मारेंगे। तो गाइस सबसे पहले नीचे से खींच की मैं बात करूंगा। तो ये ओपोनेंट की पतंग है और ये हमारी पतंग है, जैसे कि मैंने लिखा है काइट लवर, और ये ओपोनेंट की पतंग है जैसे आपको पता है। अब देखिए ये ओपोनेंट की कोई काइट उड़ रही है, मान के चलो भाई ये आपकी पतंग से 100 मीटर या 50 मीटर आगे उड़ रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी पतंग को कम से कम 100 मीटर चाहिए होगा खींच के मार, जब आप खींच मारोगे तब। केस में ढील के केस में मैंने 50 मीटर बताया, तो खींच के केस में कम से कम 100 मीटर या 80 मीटर आपको आगे निकालनी होगी। इस तरह से आगे ले गए अपनी पतंग को, फिर नीचे की तरफ लानी है, बिल्कुल नीचे की तरफ झाप निकालना है इसका, बिल्कुल नीचे की तरफ मतलब नीचे ले जानी है झाप निकालते, और फिर ये बिल्कुल इसकी डोरों को यहाँ पर लानी है। अब बात आती है भाई, आप झाप भी निकाल लोगे और ओपोनेंट के काइट के नीचे भी ले जाओगे और डोरों पे भी ले जाओगे। अब बात आती है भाई कितनी डोरी है, जो डोर है कितनी डोरों पे कहाँ पर जाके खींच मारे। तो गाइज देखिए जैसे कि मैंने ढील के केस में बताया था भाई, कन्नों से 10 या 15 मीटर की दूरी पे जो डोर होती है वो बहुत कच्ची डोर होती है, मतलब वहां पर क्या चीज है, थोड़ी कमजोर होती है उधर की डोर। तो लेकिन वो था ढील का केस। अब खींच के केस में हमें क्या करना है भाई, कन्नों से एटलीस्ट 50 मीटर या 30 मीटर दूर, 50 मीटर या 30 मीटर दूर से खींच मारना है। वो क्यों मारना है, क्योंकि अगर कन्नों के पास से मर गया तो उसकी क्या है, यहाँ पर डोर बहुत ही ज्यादा टाइट हो रही है इस प्लेस पे, क्योंकि उसकी हवा में लगी हुई पतंग है तो इधर से टाइट हो रही होगी ऑब्वियसली बात है। लेकिन जैसे ही जैसे नीचे की तरफ आप आओगे, यानी कन्नों से 50 या 30 मीटर नीचे की तरफ आओगे, तो उधर डोर आपको थोड़ी ढीली मिलेगी, बस उसी डोर का आपको फायदा उठाना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से झाप निकालना है और आपको आइडिया लगाना है भाई 50 मीटर लगभग कहाँ पर होगा उसके कन्नों से। तो नीचे झाप निकाला, इधर ले गए और फिर ऊपर। अब गलती क्या करते हैं हम क्या करते हैं, नीचे लाए स्पीड पे, इधर निकालो और एकदम स्पीड पे खींच के ऊपर की तरफ ले गए। अब यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसमें क्या है, हमें इंतजार करना होता है थोड़ा। जब हम नीचे लाए, नीचे से इधर डोरों पे भी लाए और जब सीधा फेस किया अपनी काइट का, तो हमें जो खींच है वो इस तरह, ये देखो ये सीधा खींच ले जाते ऊपर मारते हुए। उसमें क्या करता है, जो ओपोनेंट ओपोनेंट भी थोड़ा ऊपर ऊपर खींचने लग जाता है अपनी काइट को और आप भी खींच रहे हो, तो उससे क्या होता है, जो आपकी डोर है ना, आपने तो 50 मीटर पे रखी थी ओपोनेंट की, लेकिन होता क्या, जब ओपोनेंट भी अपनी पतंग ऊपर खींचने लग जाता है ना और आप भी खींच रहे हो, तो आपकी डोर सरकते सरकते उसके कन्नों के पास पहुंच जाती है। इससे होता क्या, उसकी कटने के बजाय आपकी पतंग कट जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें भाई, आप जब नीचे ले जा रहे हो ना, तो 50-60 मीटर नीचे ले जाके उसकी मतलब कन्नों से 50-60 मीटर दूरी ले जाके जो आप खींच मारो, तो पूरी तेजी से खींच मारो ताकि ओपोनेंट को खींचने का मौका ही ना मिले। बस इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो सेम बस यही वे है, आगे ले जानी है आपको पतंग 100 मीटर लगभग, झाप खिलाना है और ओपोनेंट की पतंग से कन्ने से लगभग 50-60 मीटर दूरी से इस तरह से लाके पूरी स्पीड पे खींच मार देनी है। ये था नीचे का खींच। अब बात करते हैं ऊपर के खींच की। ऊपर का खींच क्या है, जब आप ऊपर से खींच मार रहे हो तो ऊपर से खींच का भी यही सेम फंडा है भाई, कन्नों से 50-60 मीटर दूरी पे आपको नीचे की तरफ झुकाना है। लेकिन जब नीचे की तरफ आप झुका रहे हो ना, तो पूरी तेजी से नीचे नहीं झुकाना, आपको इंतजार करना, नीचे लाना है, यहां पर गोल घुमानी आपको पतंग, इस तरह से गोल घुमाते रहना आपकी पतंग, ताकि क्या ये जो एरिया है ये रगड़ा पड़ जाए इधर, और जैसे ही आपको मौका मिले, या तो ये ओपोनेंट ऊपर की तरफ खींचेगा या ओपोनेंट भी नीचे नीचे ले जाएगा। जैसे ये नीचे ले जाने के लिए अपने आपको नीचे की तरफ झुकाए, बस यही टाइम है, इस टाइम पे इसकी क्या डोर ढीली हो रही होगी, इसी टाइम पे आपको जल्दी से खींच मार देनी है।
तो गाइज होप करता हूँ ये आपको समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके तो हमारे चैनल और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज, और मिलता हूँ मैं प्रैक्टिकली वीडियो के साथ आपका। थैंक्स गाइज।